来这一世界是一个国家的1300年的古都。1300साल पुराना तो ये भारत का यहाँ पे इंडिया नाम भी लिखा हुआ है। ये है भाई मेन गांव। इतना क्रेजी एक्सपीरियंस। गांव के छोटे छोटे बच्चे हैं बहुत सारे इसे घेर लिए मुझे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आप सभी का भाई, आप सभी का दोस्त निरंजन। फिलहाल हूं चाइना के ग्वांगडोंग राज्य में, एक्सप्लोर कर रहा हूं यहां की बहुत सारी चीज़ें। और आज जहां पहुंचा हूं ये है माओमिंग नामक शहर के अंडर में आता है ये कंज नामक स्थान, जिस गांव के अंदर मैं हूं। बल्कि जिस गांव के लिए आया हूं वो तो यहां से महज 2 किलोमीटर दूर है, वहां कोई होम स्टे नहीं था। तो यहां इस होम स्टे में रहा हूं। पहले तो इस होम स्टे का थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूं। 3 मंजिला होम स्टे गांव के अंदर लोगों ने बना रखा है। बाहर का व्यू देखो इस तरीके का दिखाई पड़ रहा है। इधर कुछ झूला वगैरह लगा है और गाँव के अंदर एक टेस्ला कार भी खड़ी है और नॉर्मल गांव का माहौल है। इधर जिस रूम में मैं रुका हूं ये भाई देख लो, इस तरीके का रूम है। डबल बेड का मैंने लिया था, 165 आरंभिक है जो इंडिया के लगभग 2000 रुपए का पड़ा है। मैं अभी नहाया धोया और थोड़ी देर रिलैक्सेशन इसमें मैंने किया था। यहां पहुंचने के लिए मैंने ग्वांगजो से ट्रेन लिया था और वो ट्रेन आई थी माओमिंग नामक शहर पे और वहां से टैक्सी लेकर के ये लगभग 30 किलोमीटर दूर पड़ता है। यह है लॉलीपॉप खाते आई निहा, लॉलीपॉप खाते आई है निहाओ निहाओ मतलब होता है नमस्ते। और ये भाई छोटा सा इसका माहौल, इधर देखो गांव वालों के मकान, इधर थोड़ी सी ओपन जिम है और बैठने की व्यवस्था है, इधर पार्किंग के लिए जगह दे रखी है और इधर कुछ और लोगों का डिजाइन दे रखा है। चारों तरफ ना लीची लीची के पेड़ लगे हुए हैं इसके अंदर। ये मेन रोड है सामने की तरफ, लेकिन इधर से जब इंटर होते हो तो ये साफ सफाई और साइडों में ना इस तरीके की देखो यार सुंदरता तो बढ़िया दे रखी है इन्होंने अपने गाँव की। ये भाई मैं गलत रास्ते पे आ गया था, इन्होंने कहा बैठ के आप बैठ जाओ हमारे साथ, हम आपको दिखाएंगे, आपको वहाँ तक छोड़ देंगे जहाँ आपको जाना है। तो ये चीज़ है भाई, पूरा वीडियो देखना आपको एंड तक पता चल जाएगा चाइना के गाँव क्यों विकसित हो गए। शीशे बाय बाय सदा। ये है गाँव का मेन जो मुख्य चौक जिसे बोलते हो, जिसके अंदर की कुछ फैसिलिटीज़ आपको दिखाता हूँ। उस तरफ तो एक जो बुजुर्ग लोगों के बैठने की व्यवस्था थी, ये गांव का यहाँ पे मुख्य चौक है। मेरे पीछे यहाँ का पूरा व्यू आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। यहाँ गांव ने एक स्टेज प्रिपेयर किया है, उस स्टेज पे जो यहाँ के शहरों के नज़दीकी जो शहर है वहाँ से स्कूलों के बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, तो वो प्रोग्राम यहाँ गाँव में ओपन थिएटर के तौर पे इधर उनको ऑर्गेनाइज करते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। उसकी वजह से गांव के अंदर बहुत सारे लोग घूमने आते हैं और यहाँ के लोगों की अर्थव्यवस्था में उसका बहुत योगदान होता है। तो ये जो अर्थव्यवस्था वाला पार्ट है ना, ये कैसे आया, इससे पहले इन्होंने गांव को इतना खूबसूरत बनाया और खूबसूरत बनाने से पहले भी एक काम किया। तो चलो मैं वीडियो को शुरुआत करता हूँ अब पॉइंट टू पॉइंट कि चाइना के गाँवों का विकास कैसे हुआ। सबसे पहला स्टेप रूरल रिवाइटलाइजेशन का होता है, जिसके अंदर गांव के सौंदर्यकरण पे पूरा फोकस किया जाता है तथा गांव के इतिहास और कल्चर को उसी के साथ जोड़ा जाता है। लीची के संबंध में इस गांव का इतिहास 2000 साल पुराना है, इसलिए सबसे पहले यहां के लीची के बागानों को संरक्षित किया गया और पर्यटन के रूप में विकसित किया गया। फिलहाल हम जा रहे हैं यहाँ के एक लीची के बागान में यहाँ की लोकल महिला के साथ। यो लीची दस हो माचबियन हा, ये यहाँ का लोकल इस तरीके से किसानों के लिए मार्केट बनाया हुआ है, जिसमें वो ला करके जो बाहर बाजार जो अपने खेतों में तोड़ते हैं ना, वो यहाँ ग्राहकों को ला करके बेच देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये शहद है और ये भी इनके घर पे बने हुए प्रोडक्ट है। ई छेन सन पाइनियन, ये भाई 1300 साल पुराना लीची का पेड़ दिखाई पड़ रहा है। हिडन फेरी लैंड और इसके ऊपर दो एज लिखी है ना, 1300 साल लिखा हुआ है। और ये इस तरीके से पुराना पेड़ था, गिर गया था और ये टूट गया और उसके बाद इसके ऊपर ये नई शाखाएं खिल चुकी है। ये ऑक्शन में यहाँ पेड़ होते हैं, पिछले साल ये वाला पेड़ जो है उसको ऑक्शन किया गया था, इस साल इसको ऑक्शन किया गया। इसकी जो उम्र है वो यहाँ पे 500 साल लिखी गई है और ऑक्शन में जो इसका पैसा आया ना वो देखो 1380,000 आरंभी, जिसको 12 से गुणा करो जितना रुपया बनेगा ना उतने रुपये में
ये वाला पेड़ केवल एक साल के लिए एक प्राइवेट आदमी को दिया जाता है इसकी लीची खाने के लिए। इसके ऊपर कोड लगा है ट्री पे, उसको आप स्कैन करके भी इसके बारे में पता कर सकते हो। गांव की इनकम को बढ़ाने का एक जरिया ये भी है, यहाँ इस पर डे बड़े ऐसे प्रांगण और स्टेज वाली जगह बनाई गई है। यहाँ होने वाली है एक एक्टिविटी जिसके अंदर है 16 तारीख को यहाँ मैराथन है, साइकिलिंग मैराथन यहाँ पे आयोजित हो रही, तो इसकी वजह से बहुत सारे गेस्ट लोग इधर घूमने को आएंगे और मैराथन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो यहाँ के लोगों को भी बहुत सारी इनकम होनी है उस चीज से। यहाँ खाएंगे पिएंगे रहेंगे, तो इनके जो होटल्स वगैरह मीन जो यहाँ होम स्टे है सब में बुकिंग हो चुकी है।来自于世界十一个国家的，还有我们中国七个省区的这个荔枝的优良品种。真的吗？真的。哇哦，दोस्तों इनका कहने का है कि यहाँ पे जो ये लीची के पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं ये सिंपल नहीं है, ये 7 राज्यों से और 11 कंट्रीज से देशों से लाकर के यहाँ पे उनको प्लांट किया गया है और डाइवर्सिटी एक ही गार्डन में। इस वैरायटी की जितनी भी लीची है जो इंडिया में मोस्टली इधर लिखा भी है बिहार है आसाम है वेस्ट बंगाल है इस इलाके में होता है और उसी की वैरायटी की जो लीची है उसको यहाँ आके यहाँ पे इस जगह प्लांट किया गया है। ये देखो ये भारत का यहाँ पे इंडिया नाम भी लिखा हुआ है और ये जितने इस इलाके में ये जितनी लीची के प्लांट्स लगे हैं ना ये सभी इंडियन वैरायटी की लीची है। अगर बात करें एम्प्लॉयमेंट की तो यहाँ के गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय है लीची का बागान चलाना और यहाँ लीची का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है और पूरे चाइना के अंदर उसको भेजा जाता है। उसके लिए यहाँ के जो नौजवान लोग हैं वो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं और साथ में जितना प्रोडक्शन आता है उसको यहाँ के जो कोल्ड स्टोरेज है उनमें आधुनिक तकनीक के साथ उनको संग्रहित किया जाता है, क्योंकि जो लीची है वो डे बाय डे अगर उसका टाइम बीतता जाता है वैसे उसका स्वाद भी खराब होता जाता है। लीची को डायरेक्ट तो बेचते ही हैं, उसके अलावा यहाँ और जो फ्रूट होते हैं उनको और लीची को प्रोसेस करके डब्बों में पैक करके उसको भी बेचा जाता है, तो उसकी यहाँ पे जो दुकान है उसमें चल के हम पता करते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट है।桂味荔枝干，我们白糖樱的荔枝干等等。另外呢，我们还有推出了荔枝饼、龙眼饼这些，像我们的一个桂圆红枣茶，也是销售量非常好的。欢迎大家来到我们百桥村来选购。Tourism पे और सुंदरता पे बहुत focus किया गया, इसका परिणाम ये हुआ कि normal days में लगभग कई बार तो 5000 का आंकड़ा भी छू जाते हैं पर्यटक और बाकी जब छुट्टियों का समय होता है तो 5000 से लेकर 10000 तक लोग भी गांव घूमने को आ जाते हैं। एक बात तो कहनी पड़ेगी, गांव का विकास तभी संभव हो पाता है जब वहां की गवर्नमेंट एक फ्यूचर विजन लेके चले, एक फ्यूचर परफेक्ट प्लानिंग के साथ काम करे। यहाँ की सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया, गांव के अंदर बढ़िया डेवलपमेंट किया, सुंदरता लाए और उसके साथ साथ यहाँ पे रिवर्स माइग्रेशन को ऊपर भी काम किया, मतलब कि जो गांव के जो जवान बच्चे थे वो दूसरी जगह काम की तलाश में जाते तो गांव में कुछ रोजगार के अवसर प्रदान किए ताकि वो बाहर न जाए और अपने गाँव में ही स्वरोजगार करे, अपना उद्यम स्थापित करे, तो इस प्रकार से यहाँ काम हुआ। इनके जो देश के प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति जी है वो भी पिछले साल इस गांव को विजिट करके गए, तो जब ऐसा होता है कि देश का सबसे बड़ा व्यक्ति गांव में आता है तो गांव के लोगों का मनोबल बढ़ता है और वो अपने गांव को और सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं और लोगों के लिए वो एक आकर्षण का विषय भी बनता है, इससे देशभक्ति की भावना भी लोगों में जाग जाती है। किस्मत से ना आज गांव में एक एक्टिविटी भी हो रही है और ये मेरे पीछे ना इसका पर्चा भी पड़ा है, तो मैंने अभी इसको पढ़ा तो ये लिखा है कि 7:30 बजे से शाम को यहाँ एक्टिविटी होनी है और बहुत सारे प्रोग्राम हो गए, तो यार गाँव घूमने के साथ साथ ये वाली एक्टिविटी भी हम देख सकते हैं, मज़ा आएगा। और इधर स्कूल के छोटे छोटे बच्चे भी आए, इनकी डांस परफॉर्मेंस भी होगी और इनके और भी चीज़ें यहाँ पे सिंगिंग वगैरह देखने को मिलते हैं, तब तक हम एक बार गांव का भ्रमण कराते हैं।你是哪个账号啊？我看一下。गांव के छोटे छोटे बच्चे हैं बहुत सारे इसे घेर लिए मुझे, एक फॉरेनर आया हूँ इनके गांव में ये गांव वालों ने ना मुझे आइसक्रीम गिफ्ट की है, बोले ये आइसक्रीम ये देखो ये है लीची की आइसक्रीम। हाँ हाँ चा
荔枝味很浓是吧？荔枝的pura taste 是吗？这个看起来真的荔枝这样，对，像跟着荔枝一样。देखो इसका शेप भी ना पूरा आइसक्रीम जैसा दिया है और गांव के अंदर ये सारे प्रोडक्ट इनके खुद के बनाए हुए हैं चंद हाचू हाचू सुबह कोई भी स्कूल वाले यहां आकर के अपना प्रोग्राम कर सकते हैं तो जैसे ये हर महीने दो तीन स्कूल वाले यहां आकर के प्रोग्राम करते हैं तो यहाँ पे ये लोग भी गांव के एंटरटेनमेंट होता है और इनके गांव की एक पब्लिसिटी भी बनती है। गांव से विदाई लेके अब चलने का समय आ चुका है और मैं जा रहा हूँ संजन शहर के लिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और आपका वैल्यूएबल कमेंट दीजिए और अगर आपको कोई कमी नज़र आती है मेरे वीडियो में तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मुझे ये वाली चीज़ सुधारनी चाहिए ताकि मेरा वीडियो और बेहतर हो सके। ऐसी एक इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ मैं अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलता हूँ। चलते हैं संजन शहर के लिए, वहाँ जाके आपको इलेक्ट्रॉनिक मार्केट दिखाऊँगा और भी बहुत कुछ होगा। मिलते अगले वीडियो, तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय।